वैसे तो पिछले लगभग एक वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी, हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत है। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। फ्रेंड्स, 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर
अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम बिम्स्टेक सहित अन्य रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी साझा संस्कृति और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को सरकार साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।